लड़िया कम क्यों है यहाँ पे, लगाओ वहाँ पर। जी बाबूजी। सुने ना, अरे यहाँ बैठी तैयार नहीं हुई तुम। सुनो, अमन ने जो कागज पे लिखा था ना, उसके पीछे कुछ और भी लिखा है। अरे बोलोगी भी क्या लिखा है? ठहरो बताती हूँ। उसने ना पीछे ये लिखा है, धारा 377 की वैधानिकता। धारा 377 की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अपना फैसला कल सुनाएगी। मतलब कल ये तय होगा कि अमन और कार्तिक जो कर रहे हैं वो अपराध है कि नहीं। क्या करूं? क्या करूं? अपना बोरिया बिस्तरा लपेटो और जाओ चाचा के यहाँ। जब उनको कह दूंगी स्टेशन तक छोड़ आएगा। और सुप्रीम कोर्ट जिन पटाखों पे बहस कर रही है ना, वो अपने आंगन में फूट रहे हैं। और अगर कल कोर्ट ने ये कह दिया कि समलैंगिकता अपराध नहीं है तो क्या? तो क्या? अमन और कार्तिक के उत्पीड़न के मामले में जेल जाओगे जेल। फिर करते रहना तो अपना बेटा करे ना करे, वो कार्तिक जरूर करेगा केस। इतना क्यों मारा उसे? मैं अकेले जेल जाऊंगा क्या? तुम सबको लेके जाऊंगा मैं। पूरा त्रिपाठी परिवार जाएगा जेल। मैं नहीं जाऊंगी, मैं माँ हूँ। मैं कह दूंगी मैं रसोई में बिजी थी, जो कुछ किया तुमने किया। तो सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में तुम मुझे जेल भेज दोगी? मतलब अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि इस घर के लिए क्या सही है और क्या गलत है? हाँ, वही बताते हैं सबको। तुम उनसे ऊपर हो क्या? मतलब हमारे पास खुद की अकल नहीं है समझने की? अगर होती तो समझ नहीं जाते। मैं तो कह दूंगी, मैं तो अभी अभी समझी हूँ। अरे इनसे शादी के चक्कर में मैंने तो अपनी BSc भी छोड़ दी। अब एक अनपढ़ औरत कब तक दिमाग लगाएगी? घर भी तो देखना होता है। सुनिए ना जी, इतना अबला नारी बनने की जरूरत नहीं है। हमने अकेले ने नहीं किया सब कुछ। किसने मारा था उस लड़के को? तू रोका काहे नहीं हमें? लाठी किसने उठाया था? त्रिपाठी जी, 25 साल हो गए, कम से कम अब तो सीख लो निशाना लगाना। सुनिए ना, तुम्हें आज ही का दिन मिला ये सब बातें निकालने के लिए? हैं, हमें पटरी पे धकेल के तुम मदर इंडिया बनना चाह रही हो? हाँ बनूंगी मैं मदर इंडिया। मैं माँ हूँ, माँ के पास जेल होता है। हाँ, बाप तो बैटरी से चलते हैं। औरों का तो पता नहीं, लेकिन पिछले 25 सालों से मेरे साथ तो तुम आधी बैटरी पे चले हो, क्योंकि आधे तो तुमने शादी से पहले उस रानी पे खर्च कर दिए। भैया, सेक्स किया था उसके साथ? पहले तुम बताओ, तुमने क्या क्या किया था कुमार के साथ? हाँ, तुम्हें BSc छोड़ने का दुख है या कुमार का साथ छोड़ने का दुख? बहुत याद आती है ना उसकी, इसीलिए गुसलखाने से बाहर निकलने का नाम नहीं लेते हो। अमन घुड़चढ़ी के लिए तैयार है। अरे आ रहे हैं, फिर से परेशान हो गया ये। आप भी हो जाया करिए कभी परेशान। Disgusting. Same to you, सुनैना जी, same to you. तुम्हारा फेसबुक अकाउंट है और उस पे सिर्फ कुमार 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 यही सर्च किया हुआ है, क्यों? अरे आप जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मुंह में दही का जमा लिया? हाँ बोलो। मैं तो ऑनलाइन करती हूँ ना। तुमने तो रानी की फोटो की पूरी फाइल बना के रखी है।